मैं सुंदर सिंह एक बार फिर से आप बच्चों का वेलकम करता हूं अपनी लाइव क्लास के अंदर, जो थोड़ी आज लेट है, 10-15 मिनट हम डिले हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। थोड़ा कुछ काम में बिजी था मैं, ठीक है, कुछ नोट्स तैयार कर रहा था आप बच्चों के लिए ही। तो टीचर का जो पूरा लाइफ होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है जी। तो वही हमारी कोशिश है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ नए नोट्स के साथ में। और आज हम जो कपाट करने वाले हैं, मिसलेनियस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 5 हम पहले करा चुके हैं, और कॉमन एरर या डिटेक्शन एरर को हम लेकर आज प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें आपकी भागीदारी, आपका जो है प्रकार से रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको रिप्लाई देना होता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप ग्रीटिंग एक्सचेंज कर लीजिए। कल मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, कई बच्चे लाइव आए उन्होंने हाय हेलो तक नहीं कहा, तो इस तरह का व्यवहार ना पैदा करें। साइलेंट जो है एक प्रकार से ऑन लू करना, उन्हें दर्शक ना अपने एक प्रकार से रिप्लाई करना सीखे, ग्रीटिंग एक्सचेंज कीजिए। हाय हेलो बोलने से कुछ नहीं जाता है, ना आपकी ईगो हर्ट होती है और ना ही आपसे कोई कुछ लेता है। जितना हम लोगों के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा अपना आपको सोशलाइज कर लीजिए, समेटिए मत, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो साइलेंट नहीं पढ़ना है, हाय हेलो भी बोलना है। आप मुझे बेशक जानते ना हो कुछ बच्चे, तो फिर भी आप मुझसे जुड़ेंगे तो फिर हम आगे के लिए एक दूसरे को जान लेंगे। तो जानने में क्या होता है, आप हाय हेलो लिखते हैं, नमस्ते करते हैं, आपका नाम हम बोलते हैं, बस एक दूसरे से फैमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। तो ये तरीका है, ठीक है। तो जल्दी से मैं चाहता हूँ जितने बच्चे हैं इस समय जल्दी से आ जाएं और पढ़ना शुरू कर दें आज की क्लास। 5-10 मिनट हम थोड़ा लेट हुए हैं, ठीक है जी। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील, बड़ी बात नहीं है। बात है पढ़ने से है, पढ़ना हमें सीखना है, वी हैव टू लर्न हाउ टू स्टडी, ठीक है जी। और 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं, कुछ में कोई समस्या नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा था, आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो आपको कराने वाले हैं इस समय हम जो है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, राइट, ये ध्यान रखिए। तो थोड़ा डिले हो गया आज, तो ठीक है ना। तो चलिए, कौन आ चुके हैं, कुलदीप कसान आ चुके हैं, राम राम कुलदीप, कैसे हैं भाई आप, पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी। बाकी 2-3 बच्चे और ऑनलाइन है, वो कौन कौन है जल्दी से हाय हेलो बोलिए और क्लास के साथ जुड़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सब बच्चों को जो है नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वेरी इंक्लूसिव क्लास, वेरी प्रोडक्टिव क्लास जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो कुलदीप भाई, कभी आप पढ़ रहे हैं, कभी आप नहीं पढ़ते हैं, तो रेगुलर पढ़िए कुलदीप आप, थोड़ा 8:30 का टाइम है, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। तो ज्योति मौर्य अभी आ चुकी हैं, वेलकम बच्चे, मैं बहुत अच्छा हूँ कुलदीप। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ बाकी बच्चे भी क्लास के साथ जुड़ जाएं, वो समझे सीखें, और जो ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, या सिंटेक्स आपका वर्ब बेसिक है या एडवांस है, स्लैंग सुपरफ्लॉस है, सारे चैप्टर हमने आज इसमें लिए हैं प्रैक्टिस में। तो इस प्रैक्टिस का मतलब एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है, ठीक है, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स इन योर माइंड। तो गुणवत्ता को आगे बढ़ाना है, ठीक है जी, जो कंटेंट्स की जो है वो हमारा एक प्राइमरी पर्पज है इस क्लास के माध्यम से। तो एरर डिटेक्शन की हमारी प्रैक्टिस है, एरर डिटेक्शन हम बहुत जगह से करते भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लॉजिक के साथ आपको बताऊँगा किस चैप्टर से लिया गया है, लॉजिक क्या है और नेचर ऑफ द मिस्टेक क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी से जुड़ जाइए और चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए, राइट, ओके। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज, तो चले शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, द पर्सुएशन ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कोर्स एंड इट्स टेन्योर। टेन्योर क्या होती है, ड्यूरेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अवधि कहते हैं, इट इज सेड टू बी अवधि, इसे कहते हैं ड्यूरेशन, आप जानते होंगे, ठीक है ना, ड्यूरेशन कहते हैं। किसी चीज़, किसी कोर्स का परसुएट करना, चलना जो है उसका मतलब एक प्रकार से निरंतर रहना, ये डिपेंड निर्भर करता है नेचर ऑफ द कोर्स, कोर्स की प्रकृति पर और उसकी अवधि पर कि कितने लंबे समय का वो कोर्स है, बात समझ गए। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, परसुएशन, ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया। और आमतौर पर अगर आप पहचान ना कर पाएँ कभी, तो ऑफ से पहले वाला, ऑफ से पहले वाला शब्द जो होता है वो भी आमतौर पर एक सब्जेक्ट की तरह काउंट होता है। तो समीक्षा मलिक आ चुकी है, हेलो सभी स्टूडेंट्स को, तो जल्दी से जुड़ते जाइए और समझते जाइए चीज़ों को, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर आपका रिप्लाई देना जरूरी है, मैं तो रिप्लाई कर दूंगा, मेरा तो अपना एक्सपर्टीज है इसके अंदर, ठीक है, मेरा हाथ सेट है इसमें,
बात है, आपको रिप्लाई करना आना चाहिए, योर नॉलेज मस्ट बी ऑगमेंटेड, योर नॉलेज मस्ट बी इनहेंस फर्दर। तो आपका ज्ञान जो है इसमें बढ़ना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है बच्चों वो हमारा क्या है, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पर्सुएशन है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नाउन ये कैसा होगा डिपेंड्स हो जाएगा, क्योंकि पर्सुएशन कैसी नाउन है, इट्स ए सिंगुलर इन नेचर, ये एक वचन में है, और डिपेंड होगा डिपेंड्स होगा डिपेंड्स हो जाएगा, तो डिपेंड्स का प्रयोग करेंगे, बात समझ गए, डिपेंड्स। तो यहाँ पर जो है डिपेंड्स आएगा, क्लियर, एस का प्रयोग करेंगे डिपेंड्स आएगा, ये समझ लीजिए, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट चलिए, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। तो एरर कहाँ हो बच्चों, मेन वर्ब में एस लगाने से, मेन वर्ब में एस लगाने से कैसे हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। अब ये सिंगुलर हो गई हुई, और एस को हटाएंगे तो कैसे हो जाती है, प्लूरल। तो मेन वर्ब को प्रभावित कौन करेगा, मेन वर्ब को प्रभावित करेगा पहला सब्जेक्ट पर्सुएशन। ज्ञानुक चौहान भी आ गए हमारे, बहुत अच्छे स्टूडेंट है ज्ञानु, ठीक है वेलकम। शुरू करते हैं बच्चे, पार्टिसिपेट कीजिए एंड ट्राई टू रिलेट द आंसर, जवाब दिए क्वेश्चनों का। आज प्रैक्टिस हमारे मिक्सअप है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है इसके अंदर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल सब कुछ मिक्सअप है। ये जो टॉप कंटेंट हमने लिया है ये कहाँ से लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, कि पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर पर्सुएशन, इसके मुताबिक डिपेंड्स आएगा। और किसी क्रिया में एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है, और एस और ई एस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो प्लूरल हो जाती है, ये आप जानते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। नाउ लेट मी प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, सेकंड पर, सेकंड नंबर, मैं आपको करने का टाइम दे रहा हूँ 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद मैं आपको जवाब दूंगा, तो तब तक आप इसको पढ़ लीजिए, अप टू 8 सेकंड्स वी हैव टू रीड आउट। और मेरे पास जवाब आना चाहिए भाई, ज्योति मौर्य ने जवाब दिया, ज्ञानो जवाब दीजिए, ठीक है, कुलदीप आप भी जवाब दिया करो, सब बच्चे जवाब देंगे, जब आप जवाब देंगे तब मैं समझूंगा कि हाँ आप उसको कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। आदित्य कुमार आ चुके हैं, हेलो बच्चे आदित्य, ठीक है आपका स्वागत है, और जल्दी से जवाब देना शुरू करो, आज की प्रैक्टिस है ग्रामर की, कॉमन एरर की, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस हमने लिया, सारे चैप्टर लिए, नए क्वेश्चन के साथ लिए हैं, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। द रेस्ट ऑफ द प्रीमिसेज आर पैक्ड विद द टूरिस्ट एंड लोकल कम्यूटर्स आर इन दिस एरिया। तो कम्यूटर्स क्या होते हैं, ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स, और हिंदी में क्या कहते हैं, यात्री, हिंदी में क्या होता है, यात्री होते हैं, ट्रेवलर्स, कम्यूटर्स मीन्स। तो कोई भी अगर नया वर्ड आता है सो आई विल लेट यू नो एट द सेम टाइम, आपको मैं बताता रहूँगा उसके बारे में जो है, ठीक है जी। नेहा चतुर्वेदी आ चुकी हैं, हेलो नेहा, जल्दी से जवाब क्लास से जुड़ जाइए और जवाब देना शुरू कर दीजिए, जल्दी शाबाश। कि रेस्ट ऑफ द प्रीमिसेस, प्रीमिसेस क्या होता है, कंपाउंड होता है, जिसको हम कहते हैं आहाता, आहाता हो जो होता है कंपाउंड जो होता है, कि बाकी प्रीमिसेस जो है पैक्ड है, भरी हुई है टूरिस्ट से, पर्यटकों से, और लोकल कम्यूटर, लोकल यात्रियों से, इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब सुन लीजिए, रेस्ट ऑफ के बाद में, रेस्ट ऑफ के बाद जैसी नाउन होती है, जैसी नाउन होती है ये वाली, वैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो प्रीमिसेस है, ठीक है, प्रीमिसेस जो है कैसा, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है, तो इज आएगा, आर आएगा, आर ही आएगा, तो बच्चों इसमें एरर, नो एरर, इसमें नो एरर, डी है जी। तो सेकेंड का आंसर हमारा क्या हुआ, डी हो गया। तो एक बात दिमाग में सेटअप कर लीजिए, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत रेस्ट ऑफ से होती है तो रेस्ट ऑफ में जैसी नाउन होती है, जैसी नाउन होती है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसी से मेरा मतलब है अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, और अगर नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल इन दिस रिगार्ड, तो इस संबंध में ये नियम है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी है, क्लियर करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिए, ठीक है, जल्दी जवाब दिए सभी बच्चे जो है। एक चैप्टर हमने, एक कंसेप्ट कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ये भी और वो भी जो है। थर्ड, थर्ड पर आ जाइए, जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं उनके लिए रीकैप ले लेंगे, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देंगे बहुत स्पीड से, लेकिन बाकी बच्चे पढ़ते रहे ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन पाएंगे।
द रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाल ही का जो वक्तव्य रहा प्राइम मिनिस्टर का, इज अफेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, वो प्रभावित कर रहा है नीति को धन संचय की। कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है? धन संचय। तो एक्यूमुलेशन का अर्थ होता है एक प्रकार से संचय, कलेक्शन, संचय इन द कंट्री, देश के अंदर। बात समझ गए? तो बच्चों यहाँ पर जो एरर जो आप देख रहे हैं वो आपने बताना है कि क्या है, और मैं आपको बता देता हूँ ये हमने कहाँ से लिया है, वर्ड बेसिक से, ठीक है, या टाइम एंड टेंस भी कह सकते हैं, दोनों में कंसेप्ट दिया है, वो है वर्ड बेसिक कह लीजिए या टाइम एंड टेंस कह सकते हैं, दोनों से लिया हमने ये कंसेप्ट जो है। अब जल्दी बताइए एरर क्या है। तो बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के तैयार किए गए आप लोगों के लिए, ये ध्यान रखिए। तो कुलदीप बता रहे हैं, हमारे कुलदीप जो है नहीं अभी बता रहे हैं आंसर, बाकी बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए। ज्ञानू कहाँ दिमाग लगा रहे हो भाई, जल्दी बताइए। शाबाश आदित्य कुमार, कोशिश करो। द कंसेप्ट इन दिस सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम वर्ब बेसिक और फ्रॉम यू कैन से टाइम एंड टेंस। अब सुन लीजिए, ये जो वर्ब अफेक्ट होती है ये, इसमें आमतौर पर आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ऐसी क्रियाओं को हम टाइम एंड टेंस में समझाया था, क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स, और स्टेटिव वर्ब्स आईएनजी नहीं लेती हैं। तो फिर क्या होगा, ऐसे सेंटेंस में हम दो तरीके से बनाएंगे, या तो इसको हम डाइवर्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफेक्ट्स, या तो ऐसे कर दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। मनोज चौरसिया आ चुके हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है हमारे, जल्दी जवाब दिए सब बच्चे, ठीक है जी। गुड इवनिंग बच्चे मनोज चौरसिया। और भाई यहाँ जो पहला ये था रिसेंट स्टेटमेंट है, तो इसके मुताबिक इफेक्ट्स ही आएगा, और लेकिन इफेक्ट में आईएनजी नहीं आता, ये कंठस्थ कर लीजिए, इफेक्ट में आईएनजी का प्रयोग आप नहीं कर सकते, खासकर वर्ब के तौर पर। तो या तो इफेक्ट्स या हैज अफेक्टेड, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, या क्या बनाएंगे आप इसको, या हम यहाँ इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैज अफेक्टेड, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं हैज अफेक्टेड, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा, क्योंकि ये कौन सी वर्ब होती है, कहलाती है स्टेटिव वर्ब्स है ये। बात समझ गए? तो या तो अफेक्ट्स बोलेंगे, हैज अफेक्टेड कहां से लिया है, टाइम एंड टेंस से। सो एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट हैज बीन टेकन आउट, ये कंसेप्ट कहां से लिया गया ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। ये कहां से है, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट, इसके मुताबिक क्या आएगा, डिपेंड्स। कुछ बच्चे आप में से लेट जुड़े हैं, रेस्ट ऑफ द प्रीमिसेस आर, प्रीमिसेस के मुताबिक आर ही आएगा, नो एरर। और इसमें आपको पता है एरर कहां पर है, एरर हमारा बी पार्ट में, यहां पे ये रहा। अब बताइए समझ में आया नहीं आया, ये टाइम एंड टेंस है, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट या सिंटेक्स के लिए वहां से लिया गया है, ठीक है जी। तो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें मिक्सअप एक प्रकार से, ये समझ लीजिए। चले आगे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आ जाइए। एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए स्क्रीन के सामने से हटना नहीं है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना पेपर में इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हमें कोई लुका छिपी नहीं खेलनी है, लगातार पढ़ना है, कॉन्स्टेंट पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है, ठीक है जी। एक मिनट के लिए भी ध्यान रखिए, एक घंटा 24 घंटे में से कम प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। एक ही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ किस चैप्टर से लिया गया है, नेचर ऑफ द मिस्टेक क्या, मिस्टेक की प्रकृति क्या है, तो फिर कोई डाउट नहीं रहता, ठीक है जी। आज बच्चे कुछ कम रहेंगे क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था, मुझे 20 मिनट लेट हो गया था मैं, ठीक है जी, कुछ अर्जेंट काम था इसलिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन रेगुलर रहिए। द एम्प्लॉयमेंट स्कीम नंबर 4, द एम्प्लॉयमेंट स्कीम ईच है पोटेंशियल टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन कंट्री, ये सेंटेंस, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, प्रत्येक एम्प्लॉयमेंट स्कीम में एक क्षमता है, पोटेंशियल क्या होती है, क्षमता टू प्रोड्यूस, पैदा करने की, उत्पन्न करने की, नंबर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, बहुत से नए अवसरों को उत्पन्न करने की, फॉर द यूथ इन द कंट्री, और ये अवसर किसके लिए उत्पन्न करने हैं, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, देश के अंदर, नौजवानों के लिए देश के अंदर, इन द कंट्री, ठीक है। तो अंकित चौधरी भी आ चुके हैं, नमस्कार बच्चे, जल्दी जुड़ जाइए अंकित, ठीक है। बस छोटी शिकायत आप बच्चों से है, ठीक है, कि कोलकाता से संदीप ने कई बच्चे जोड़े, महाराष्ट्र से शायद, लेकिन आप बच्चों ने अपने दोस्त नहीं जोड़े हैं, तो दोस्तों को जरूर जोड़िए चैनल के साथ, ये मेरी शिकायत आपसे वाजिब भी है, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के दोस्त अभी जुड़े नहीं हैं चैनल के साथ में,
कम से कम एक दोस्त आपका होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रही है, और क्या चाहिए। तो प्लीज़ एक शिकायत ये है, और दूसरा यह कि आप जब वीडियो देख लेते हैं तो उसको शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल। शेयर कीजिए इसको जितना अधिक से अधिक हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि कल का हमारा वीडियो उसमें 100 भी अब तक व्यू नहीं जा पाए हैं, 100 भी नहीं हो पाए व्यूज, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि चलो हमारा काम तो हो रहा है, हमें दूसरे की क्या परवाह है, राइट। लेकिन कल को अगर मैं सोचने लग जाऊं अरे मैं फ्री क्यों पढ़ाऊं बच्चों को, तो हर चीज़ बच्चों स्वार्थ पर नहीं तोली जाती है, कुछ चीज़ें ईमानदारी से करके छोड़ देते हैं, बात समझे ना। हर चीज़ में बिजनेस नहीं किया जाता है, बात समझो। चलिए आइए, द एम्प्लॉयमेंट स्कीम ईच, ईच से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है, कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का अपना एक महत्व होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, बात समझ गए, राइट। और अभी मैं वो नीचे देख रहा था, तो आपको याद है हमारे एक स्टूडेंट हैं, मेरे एक स्टूडेंट रहा है अमित भड़ाना, अमित भड़ाना, ये अमित भड़ाना जो है वही है जो यूट्यूबर है। आपको लग रहा होगा कि असर कैसे करे, यूट्यूबर जो अमित भड़ाना मेरा स्टूडेंट रह चुका है, लगभग 1.5 साल मुझसे पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो उसी का मैसेज आया था अभी, ये रहा तो कॉल करने के लिए, ठीक है जी। तो उसी से मैं देख रहा था, आप बच्चे उसके बड़े फ़ैन हैं, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे जो है, राइट। तो यहीं पढ़ कर गया मुखर्जी नगर के अंदर जैना बिल्डिंग में, और परमानंद के अंदर मेरे इंस्टीट्यूट वहाँ पढ़ कर गया है। तो आप जैसे बच्चे ही आगे तरक्की करते हैं, अभी वहाँ पे कैलिफोर्निया जाना है इसको, तो कह रहा था सर कुछ इंग्लिश का इशू है थोड़ा सा बोलने का, ओके। चलिए जल्दी मिलवाऊंगा आप लोगों को, यूट्यूब चैनल में लेकर आऊंगा, कभी किस दिन बात चल रही मेरी उससे, तो जैसे मुंबई गया था बीच में जैसे वो आता है फिर आप लोग मिलवाऊंगा, थोड़ा इंस्पिरेशन लेना। और वही बच्चा बहुत सीधा था, उसकी फैमिली को मैं जानता हूँ, ठीक है, यहाँ दिल्ली में रहते हैं जौहरीपुर में। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सीधा लड़का था, और आज की डेट में कामयाबी कहाँ से कहाँ ले गई। तो टैलेंट आपके अंदर भी है, बस उसको पहचानने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए तो ये जो है ईद से पहले जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, ईद से पहले क्या है, द एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और स्कीम एक है। जब ईद से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी बच्चों। तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैज फर्स्ट में एरर ए में, बात समझ गए। तो रवि सिंह आगे, रवि नमस्कार बच्चे, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ जो है। और पिंकी आ चुकी हैं, पिंकी तबीयत कैसी बच्चे आपकी, अब काफ़ी दिनों बाद आप जुड़े हैं, पिंकी शरण गुड इवनिंग। तो सब बच्चे जल्दी से पढ़िए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ओके। सो द एम्प्लॉयमेंट स्कीम ईच, ईच से पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, तो हैज आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम ईच हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन कंट्री, बात क्लियर होगी, ये कोई डाउट इसमें, हैज आएगा, ओके। ईच से पहले जो होगा, और टॉपिक कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चले आगे फिफ्थ आ जाइए, ओइंग टू द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर मेक इन इंडिया प्रोग्राम इट इज नीड टू पास आउट लैंड एक्विजिशन बिल इन द कंट्री। बैंक पीओके और सीडीएस के लेवल का क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, और आपके Tier 2 एग्जाम में एसएससी के या सीपीओ के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी, ओके, दैट्स गुड पिंकी, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस बच्चे। देखिए यहां से जो है, द सबस्टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ द सबस्टेंस जो सारांश जो भाव है वो क्या है, समझ लीजिए। ओइंग टू द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड, जो आम जरूरत है, आम जरूरत के कारण लैंड की, भूमि की, फॉर मेक इन इंडिया, और किसके लिए चाहिए थी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए, इट इज नीड टू पास आउट लैंड एक्विजिशन बिल, जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है। लैंड एक्विजिशन बिल क्या होता है, भूमि अधिग्रहण विधेयक को पास करना जरूरी है इन कंट्री, देश के अंदर, ये बच्चों। हाँ रवि सिंह, आपको टाइम दे देंगे बेटे मिलने के लिए, कोई समस्या नहीं है, मुखर्जी नगर में क्लास लेता हूँ, ठीक है ना। और बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और इसी तरह करें, अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे ह्यूमन बींग बने, यही हम चाहते हैं, ठीक है ना।
और बड़ी खुशी आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दिस। देखिए, सो ओइंग टू बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड, अब मुझे ये बता दीजिए आप बच्चे, और मैं उस बच्चे को अप्रिशिएट करूँगा, इसकी प्रशंसा करूँगा जो इसमें एरर बता दे। मैंने बहुत छोटा एरर डाला इसके अंदर, लेकिन है थोड़ा गहरा, ठीक है जी। अब बताइए क्या आएगा। और ज्ञानू का जवाब जो है, ज्ञानू चौहान का जवाब आ चुका है, ज्ञानू बहुत क्विक रिप्लाई करते हैं। मनोज चौरसिया, पिंकी, बाकी बच्चे जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है जी। अंकित चौधरी, सब बच्चे जल्दी रिप्लाई करो, मैं इसलिए स्क्रीन के सामने से हट गया हूँ ताकि आप लोग जो है रिप्लाई कर सके क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। मनोज का रिप्लाई भी आ गया है, नेहा ने रिप्लाई कर दिया है, ठीक है जी। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, कितना टाइम लेंगे रिप्लाई करने में, जल्दी जवाब दीजिए, हरी अब। रवि सिंह का जवाब भी आ गया है, ठीक है जी। ज्योति मौर्य, तो आपके जवाब में इसमें देखा मोबाइल के अंदर, ये रहा, यहाँ जवाब पता चल रहे हैं आप लोगों के। अंकित का जवाब भी आ गया, अंकित चौधरी। कुलदीप कहाँ भाई, कुलदीप कसाना कहाँ चले गए, कुलदीप। ईश्वर, बाकी लोग कहाँ हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। एंड नाउ लिसन टू मी, अब मेरी सुन लीजिए आप, आपकी बात मैंने सुन ली, आपके जवाब भी मैंने देख लिए। नाउ लिसन टू मी विद लॉजिक, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो मैं इसको एलिसिटेट करता हूँ, डिटरमाइन करता हूँ, डिफाइन करता हूँ लॉजिक के साथ में, समझ लीजिए आप। ओइंग टू द बेसिक रिक्वायरमेंट, ओइंग टू से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। फॉर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये भी ठीक है। सेंटेंस का मूल्यांकन असेसमेंट यहाँ से होता है, ऐसे करते हुए चलते हैं हम लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है यहाँ तक। इट इज़ नीड टू पास आउट, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यहाँ कुछ अधूरापन है, यहाँ कुछ कमी है सेंटेंस के अंदर। तो इट इज़ नीड आएगा, इट इज़ नीडिड आएगा, बताइए, इट इज़ नीडिड आएगा, इट इज़ नीडिड टू पास, बस बन गए, इट इज़ नीडिड टू पास। तो एक्टिव से पैसिव चलेगी फॉर्म, बस बन गए, इट इज़ नीडिड टू पास आउट लैंड। अब पढ़ के देखिए, तो नीड आना चाहिए या नीडिड, आप खुद इस बात का कन्फर्मेशन कर सकते हैं। जब सेंटेंस को आप बोलते हैं, सो यू कैन कम टू नो बाई योर सेल्फ, आप खुद ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहाँ नीड जो है उचित है या नीडिड की आवश्यकता है। तो बच्चों नीडिड आएगा, तो एरर सी में हो गया। तो ये कंसेप्ट किसका है, ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, टाइम एंड टेंस का। तो टेंस का एरर है, एरर कहाँ हो गया, सी में हो गया, बात समझ गए। सो इट इज नीडेड टू पास। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाइए। सिक्स नंबर, सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी आर रिक्विजिट फॉर ए सिटीजन इन द कंट्री एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिक्विजिट होता है नीडेड, जरूरी, आवश्यक, जो अभी आपने इस सेंटेंस में किया था। और यहां पर है डॉक्ट्रिन, क्या होता है, सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल। तो मैं कुछ हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ इंग्लिश का, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में। सिद्धांत, प्रिंसिपल, डोगमा, डिक्टा, इन सबको सिद्धांत कहते हैं, या कन्विक्शन, एक ही बात है, ठीक है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी आर रिक्विजिट फॉर ए सिटीजन इन दैट कंट्री एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सामाजिक और आर्थिक आज़ादी जो है, लिबर्टी क्या होती है, आज़ादी जरूरी है फॉर ए सिटीजन, एक नागरिक के लिए, इन कंट्री, देश के अंदर, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सिद्धांतों के अनुसार। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया, बात समझ गए। अब प्यारे बच्चों, इसमें एरर क्या है ये बता दीजिए आप, बताने का टाइम 5 से 8 सेकेंड। भाई बैठना नहीं है लेकर के, इसको जवाब देना आप लोगों ने। यू पीपल विल हैव टू रीड द आंसर, जैसे पहले का जवाब दिया था। देखिए विकास वर्मा, तो विकास का जवाब आ गया, विकास वर्मा का, बहुत अच्छी बात बच्चे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव टू ऑल्सो अप्लाई the same query, understand? So first analyze this one, try to understand the substance of this one, and then you have to determine the answer. So there is no complexity in this one. ठीक है, कोई जटिलता नहीं है इसके अंदर।
तो भाई पिंकी शरण, अंकित चौधरी, रवि सिंह, सबका आंसर आ चुका है। बाकी लोग क्या करें, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी, हरी अब। तो मैं दूर हो गया हूँ इसलिए ताकि आप लोग जवाब दे सकें। नेचर से, प्रकृति से मेरा गहरा लगाव है, तो इसलिए देखना ना, स्लाइड हमने लिए, स्लाइड बीच में चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, देख रहे ना आप कितनी अच्छी हरियाली हरियाली है, तो ऐसा लगता है प्रकृति के बीच में हम जो है इन द लैप ऑफ नेचर में स्टडी कर रहे हैं, तो प्रकृति की फीलिंग भी आपको दे रहे हैं और थोड़ा पढ़ भी हम अच्छा रहे हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आदित्य कुमार का जवाब भी आ गया भाई, रोहित जैन, रोहित जैन भी जो है, तो दो बच्चे जो है, रोहित जैन और विकास वर्मा। बच्चों आप रेगुलर रहिए, 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, हर रोज़ प्रैक्टिस करा रहे हैं, और जितने भी एग्जाम आपके आ रहे हैं उन सब के लिए प्रैक्टिस बहुत ही रिक्विजिट है, नीडिड है। रिक्विजिट क्या होता है? नीडिड। ओके, सो रेगुलरली बनाए रखिए प्लीज़। चले आ जाए, रोहित जैन भी बता रहे हैं इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। देखिए अब, जब दो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, दोनों विशेषण हैं और एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नाउन जो है यहाँ अनकाउंटेबल है, तो भाई इसके अनुसार यहाँ इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा बच्चों, तो इज आएगा, ए मैरर हो गया, बात समझ गए, ए मैरर हो गया। और अगर मान लीजिए इनके साथ आर्टिकल होते, द सोशल एंड द इकोनॉमिक, फिर स्थिति कुछ और होती, फिर यहाँ आर हो जाता, फिर आर्टिकल कंसेप्ट चेंज हो जाता है यहाँ पर, बात समझ गए। लेकिन अभी क्योंकि आर्टिकल नहीं है, बिना आर्टिकल के है, नाउन हमारी अनकाउंटेबल है, इन दैट केस हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। और अगर आर्टिकल लेते द सोशल एंड द इकोनॉमिक या एन इकोनॉमिक, ठीक है, तो वहां पर निश्चित तौर पर फिर आ रहा था, ठीक है जी। अच्छा विकास, राइट, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है विकास। भाई ज्ञानू, इट्स रिगार्डिंग टू नेचर, इट सीम्स दैट वी आर इन द लैप ऑफ द नेचर, राइट जी। तो वही व्यू हमने बनाने की कोशिश की बेटे, ये बीच का व्यू है, ठीक है। ज्ञानू पूछे बीच बीच का व्यू के बारे में, तो विकास सुनकर अच्छा लगा बेटे आप, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे ध्यान है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बेटे, आई अप्रिशिएट विकास। तो भाई समझ में आया आप लोगों को, तीनों में मैं समझा दूँ आपको, इसमें ईद से पहले है, इम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज आएगा, एक रिकैप ले रहा हूँ मैं, रिकैप ताकि पिछला समराइज हो जाए, और इसमें क्या आएगा, नीडेड आएगा, इसके अंदर सी मैरर हो गया, इसमें क्या आएगा जी मालूम है आपको, इसका प्रयोग करेंगे ओइंग टू अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के कारण जो है। अब बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, आगे चलें नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए। भाई ज्ञानू आप पूछते हैं, ठीक है, ये व्यू देखिए आप, हर इस बार थोड़े से हमने फ्लावर टाइप बना दिए हैं, आर्टिफिशियल टाइप फ्लावर जो है, ये सब कुछ नया देने की कोशिश है आपको, इट्स अ पार्ट ऑफ द इनोवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, 7 नंबर। इट वॉज वेरी मच बेस्ट एजेंडा एवर इंट्रोड्यूस बाई द स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत ही बेस्ट एजेंडा है जो कभी इंट्रोड्यूस किया गया, प्रस्तुत किया गया राज्य सरकार द्वारा, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, ठीक है जी। चलो आप बच्चों को पसंद आ रहा, ज्ञानों को पसंद आ रहा, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। ओके विकास, गॉट इट, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट विकास। जी विकास, हाँ भाई पता किया आपने, क्या एरर हो सकता है इसमें पहले वाले में, काफी बच्चों के जवाब आ भी चुके हैं मेरे सामने। आदित्य कुमार, यतीश शर्मा ने जवाब दे दिया, गुड इवनिंग बच्चे यतीश, लेट हो गए आज आप, पिंकी शरण का जवाब आ चुका है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, जस्ट नॉट टू स्लीप आउट प्लीज, यू हैव टू रिलेट द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। विकास ने जवाब देना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेट मी टेल यू, ठीक है जी, हिंदी मैंने आपको बताई दी है,
जब वेरी मच इकट्ठा आता है और कहाँ से लिया गया है, ये हमने कंसेप्ट लिया है एडवर्ब से, एडवर्ब चैप्टर से लिया कंसेप्ट, ये ध्यान रखिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच तो बहुत बड़ा, 8 चैप्टर आते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल, ठीक है। उसमें से भी कौन सा चैप्टर है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो ओवर हियर, वो जानना यहाँ आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, वेरी मच के बाद जब इकट्ठा वेरी मच आता है तो डिग्री आती है कंपैरेटिव, तो क्या आएगा, बेटर आएगा, बेटर ए मैर है। तो क्या सीखा, जब वेरी मच एक साथ आएगा तो डिग्री जो होगी वो कंपैरेटिव होगी, और डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और तीसरा क्या होता है, सुपरलेटिव, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो कंपैरेटिव कौन सी होती है, जिसमें ER आता है, ER, ठीक है, बेटर, और जिसमें ST आता है वो कोई सुपरलेटिव। लेकिन 99% बड़े ऐसे होते हैं, 100% नहीं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेरी मच के बाद क्या आएगा, सुपरलेटिव की बजाय कंपैरेटिव डिग्री आएगी, राइट जी। चलिए नहीं, वो तो वो कंसेप्ट नहीं, वेरी मच इकट्ठा आने के साथ पेन की वो ध्यान रखिए, वो बात, वो कंसेप्ट अलग है। तो बच्चों इसमें एरर ए में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे। ईच लॉयर एंड एवरी जज हैज कंसेंटेड द पॉलिसी ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ जज एट द वेरियस वैकेंट पोस्ट अक्रॉस द कंट्री। बहुत ही डिसाइसिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कहता है ईच लॉयर एंड एवरी जज, प्रत्येक लॉयर जो है और प्रत्येक जज ने कंसेंट में सहमति दी है, कंसेंट होता है सहमति देना, द पॉलिसी ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट, नई रिक्वायरमेंट की पॉलिसी पर, नीति पर, एट द वेरियस वैकेंट पोस्ट, बहुत से खाली पदों के बारे में, अक्रॉस द कंट्री, संपूर्ण देश में। तो यहाँ अक्रॉस का मतलब संपूर्ण है, और कंसेंट क्या होता है, सहमति देना। सहमति देना, टू गिव एग्रीमेंट, एक प्रकार से, इन दैट सेंस इट कैन बी अप्लाइड, उस सेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर इज नो नीड टू हैव स्ट्रेस ऑन दिस वन, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग जो है, अब बताइए क्या एरर हो सकता है। मैंने क्वेश्चन में चालाकी की इसको बनाने में, तो ध्यान रखना जरा, कैसे बताओगे, ध्यान से बताना जरा, ऐसे मत बता देना। मनोज से कह रहे हैं द वेरी मच यूज कहाँ होता है सर, द वेरी मच यूज तो कोई होता नहीं बेटे, एक साथ थोड़ी आएगा वो, तो दा प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री आती है, और मच के साथ जब द आर्टिकल आता है तो नंबर 2 पे आता है, मच द सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा आता है, ठीक है ना। तो एडवर्ब चैप्टर में पढ़ सकते हैं आप उसको, जल्दी करिए भाई, हरी अब जल्दी। ईच लॉयर एंड एवरी जज, भाई मैं देख रहा हूँ आप जो है ज्ञानू क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ भाई। मनोज, पिंकी का जवाब आया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, ज्योति मौर्या, ओके, विकास जल्दी बताइए आप भी, पिंकी शरण, जितने बाकी बच्चे हैं, अंकित चौधरी, मनोज चौरसिया, एवरीबडी हैज़ टू रिप्लाई, आदित्य का रिप्लाई आ गया है, बहुत अच्छी बात है, एवरीबडी शुड बी एंगेज इन द होल प्रोसेस ऑफ रिप्लाइंग, तो पूरी प्रक्रिया में जो है शामिल रहिए, ओके, नॉट टू नेग्लेक्ट दिस वन, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। Each lawyer and every judge has consented the policy of requirement of judge at the various vacant posts across the country. ये सेंस है जी यहाँ पर। देखिए बच्चों, each lawyer and every judge जो has आया हुआ है, ठीक है, ये तो समझे आप इस बात को, ध्यान देना जरा, दिमाग लगाना, at the various vacant post या posts, क्या आएगा, post आएगा, posts आएगा, post आएगा, noun होगी plural, at the various vacant post, ऐसा आएगा, नाउन होगी प्लूरल। यहाँ पर बहुत बारीक एरर किया मैंने, और बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे बारीक एरर, बहुत माइन्यूट मिस्टेक ऐसे ही आती है। बाकी सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक कोई एरर नहीं है। लॉयर है और ये जज है, ठीक है, ईच और एवरी आया हुआ है, ठीक है जी, जब ईच और एवरी आता है तो हैज ही सिमिलर ही रहता है यहाँ पर, ये एरर नहीं है। टॉपिक कहाँ से लिया हमने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो इसमें एरर है विकास, एरर कहाँ पर बच्चे, इसमें एरर, ये पोस्ट में ऐसा लगेगा, ठीक है जी, यहाँ एरर, ये तो पोस्ट में ऐसा आएगा, तो एरर कहाँ हुआ, सी में हो गया बच्चों, सी के अंदर एरर। भाई सिंपल बात है, वेरियस लिखा है, वेरियस क्या होता है, विभिन्न, अलग अलग, वैकेंट खाली, पोस्ट या पद, एस लगा दीजिए, दैट्स ऑल, सी आएगा। अब यहाँ फंस गए आप लोग, और मान लो यही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो वहाँ फिर बनता नहीं,
नीतीश का आंसर ठीक आया था बस। नाइन पर आ जाइए, नाइन्थ पर। माई प्रायोरिटीज आर डिफरेंट देन योर्स इन मैनी वेज इन लाइफ। मेरी प्राथमिकताएं अलग है आपकी अपेक्षा में इन मैनी वेज, बहुत दृष्टिकोण से इन लाइफ में, जीवन में। तो जीवन में मेरी प्राथमिकताएं बहुत तरीके से आपसे अलग है, ये अर्थ है इसका। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर, आठ नाइन्थ का जल्दी बताइए। आदित्य कुमार का जवाब आ गया है, बाकी बच्चों का नहीं आया। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग रिप्लाई का, और जब आप जवाब देंगे तब भी मैं आगे चलूँगा, ठीक है? अनलेस आई प्रोसीड फर्दर। ठीक है भाई, मनोज चौरसिया ज्ञान को जवाब आ चुका है, ठीक है जी। बाकी बच्चे क्या करें, पिंकी सर और बाकी बच्चे जो है, ठीक है। आदित्य कुमार जल्दी जवाब दीजिए भाई, बाकी बच्चे। देखिए अब, माई प्रायोरिटीज आर डिफरेंट देन योर्स। माई प्रायोरिटीज जो है, मेरी प्राथमिकताएं, तो ये आर आ गया, ये तो गलती है नहीं, ये तो एरर है नहीं, ये करेक्ट है यहाँ से। लेकिन डिफरेंट एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ डिफरेंट के साथ देन नहीं आता है बच्चों, डिफरेंट के साथ आता है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग होता है बी में, एरर है। डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो डिफरेंट के साथ देन ही लगाते हैं इन सेंस ऑफ कंपेरिजन, तुलना के भाव में इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ कंपेरिजन आउट हियर, यहां तुलना की बात हो रही है, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, देन नहीं आएगा, ठीक है? तो वीडियो जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाती है, इसके बाद शेयर जरूर करना इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, जोड़िए और अच्छी नॉलेज आपको देंगे, हर कुछ रोज कुछ नया नया कराने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है जी। फ्रेजल वर्ब आपको कराई थी, उसको आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है जी। ये छठा प्रैक्टिस सेट है, आप सोच के हम कितने प्रैक्टिस सेट पहले करा चुके हैं आपको, तो ये भी ध्यान रखिए। तो क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है, तब जाकर बेनिफिट होगा, ठीक है जी। यति शर्मा, ये सरप्राइज ही रहने दिए, अचानक हम आपके सामने लाएंगे कुछ ना कुछ नया, ठीक है। माई परस्पेक्टिव इज गुड, इज एज गुड एज इफ नॉट बेस्ट देन योर्स। ये टीयर टू का क्वेश्चन है, जो टेन है नंबर, बता दीजिए क्या है कि मेरा दृष्टिकोण जो है एज गुड एज बेहतर है, इफ नॉट बेस्ट देन योर्स, लेकिन वो आपसे बेहतर नहीं है, आपकी अपेक्षा में बेहतर नहीं है। तो यहाँ आपने एडमायर कर दिया और यहाँ आपने कंपैरिजन तुलना भी कर दी है, दोनों बातें इसमें आ गई हैं। बताइए, तो ज्योति का जवाब आया गया जी, ठीक है जी। नहीं ज्योति करी ना टीशो, कोई बात नहीं बच्चे, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, जितना भी आप कोशिश करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। विकास कल कोशिश करेंगे बच्चे प्रीवियस ईयर कराने की, ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कराएंगे, ठीक है ना। अभी फ्रेजल वर्ब और भी करानी है, और भाई अगर किसी का कोई चैप्टर छूट गया है, अभी अब हाल ही में मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल है इंग्लिश गुरु सुंदर सर, तो इंग्लिश गुरु सुंदर सर को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और जितने मैं लेसन करा चुका हूँ थोड़ा उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो लेसन मैं यहाँ कराता हूँ वो अपलोड हो जाता है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक घंटे के तुरंत बाद, फिर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए चलिए पिंकी, हम कोशिश करेंगे डाउट क्लास लेने की, ठीक है ना। नोट कर लिए वाला डाउट के लिए मैंने आप बच्चों को कहा है कि आप मेरे यूट्यूब मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो डाउट पर्सनल, ठीक है। हर एक के डाउट्स अपने अलग होते हैं, कोई किसी को आता है कोई किसी को नहीं आता, तो डाउट के लिए मैंने आपको पर्सनल नंबर दिया है, मेरे स्क्रीन पर भी चल रहा होता है नीचे, यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो उसमें आप डाउट के लिए मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको, वो सबसे बेस्ट जरिया है, ठीक है जी। इट वॉज टू नॉन प्रीजुडिस, अच्छा इसको बता रहा था मैं आपको, देखो पॉजिटिव डिग्री और, ठीक है, दो डिग्री सेंटेंस में तभी आ सकती है एक साथ, ठीक है जी, तब आ सकती हैं जब खासकर पॉजिटिव डिग्री से पहले एज और बाद में एज लगा हो,
उसके बाद इफ नॉट आ जाए, और इफ जब ऐसी स्थिति होती है कि पॉजिटिव डिग्री से पहले पहले और बाद में एज एज का प्रयोग होता है, और उसके बाद दो वर्ड आए इफ नॉट या बट नॉट, इफ नॉट या बट नॉट, तो बच्चों यहाँ पर डिग्री आएगी कंपैरेटिव। और वैसे भी देन है, देन के साथ डिग्री कौन सी आती है? कंपैरेटिव। तो क्या यूज करोगे? बेटर देन, बेटर देन योर्स। तो एक बात जो हमने नई सीखी है कि क्या हम एक सेंटेंस में दो डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं जो आमतौर पर हम करते नहीं है? यस, इट इज पॉसिबल। और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, उसके बाद इफ नॉट, और फिर कंपैरेटिव डिग्री। और ये बहुत ऑब्वियस बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि कंपैरेटिव के बाद क्या प्रयोग करते हैं? देन लगाते हैं। ये पॉइंट है जी, क्लियर होगी बात यहां पर? ठीक है, 11 देख लीजिए, 11 नंबर। इट वॉज टू नन प्रीजुडिस स्टेटमेंट गिवन बाय द कोच रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स इन द मैच। दिमाग लगा लीजिए इसके अंदर। तो यतीश शर्मा जवाब दे चुके हैं इसमें, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। और पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर सुनना है जी, एक सवा घंटे का लेक्चर लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। संडे को थोड़ा बड़ा हो जाता है कई बार, डेढ़ से पौने दो घंटे का। तो संडे को मेगा क्लास भी होती है, सारे टॉपिक प्रैक्टिस कराता हूँ उसमें। इट वॉज टू नॉन प्रिजुडिस, यह बहुत ज़्यादा प्रिजुडिस स्टेटमेंट नहीं था। प्रिजुडिस होता है बाय, ठीक है, प्री एजुम्पशन, पूर्व आंकलन, ठीक है जी। तो प्रिजुडिस होता है पूर्व आंकलन, तो पूर्व आंकलन को हम प्रिजुडिस कहते हैं, पूर्व आंकलन, ओके, दैट इज सेट ऑफ प्रिजुडिस। ये बहुत प्रिजुडिस स्टेटमेंट नहीं था, गिवन बाय द कोच, कोच द्वारा जो दिया गया था रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स इन द मैच, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के विषय में मैच में। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? तो जवाब सबके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दिस। देखिए मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, जैसे आप जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, यतीश का है, ठीक है, और ज्योति मौर्य का है, बच्चे, बाकी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। तो ज्ञानू भाई रिप्लाई करते रहिए, पिंकी रिप्लाई करते रहो सब बच्चे, और मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, जो एक बार आपको काम दे दिया है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट, उसमें लगे रहिए। अगर बोला कि भाई जवाब क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, जवाब देना है तो तुरंत दे दिया करो बिना मेरे कहे, ठीक है ना। लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर, मैं एक चीज़ आपको यहाँ समझा दूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नन टू और एक होता है ओनली टू। ये किस चैप्टर से लिया गया है? एडवर्ब, ये एडवर्ब में है बच्चों। तो नन टू में अगर ध्यान दें तो नंबर एक पे नन आता है, नंबर दो पे टू आता है, फिर ऐसे ओनली पहले आता है, टू बाद में आता है। अगर इसका मीनिंग निकालते हैं तो नन टू का मतलब जो आता है उसका मतलब होता है नॉट वेरी। तो इसका लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है नॉट वेरी। और ओनली टू का अगर शब्दार्थ देखें दोनों का एक साथ, तो इस दोनों का अर्थ आता है वेरी केवल। तो ये वेरी के सेंस में अप्लाई होता है, ठीक है जी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर, यहाँ मैं आपको एक चीज समझा दूँ कि पेपर में जो एरर इसमें आता है एडवर्ब से लिया गया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देता है कि ये टू पहले कर देता है, नन बाद में, या टू पहले कर देगा ओनली बाद में कर देगा, ये इस तरह एरर आता है इसका। तो जैसे आप ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए तो यहाँ इसने क्या कर दिया, टू पहले कर दिया है, जबकि कंसेप्ट होता है नन टू, ये कंसेप्ट होता है बच्चों। टू नन कुछ नहीं होता, देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ड टू नन। एग्जिस्टेंस किसका, अस्तित्व किसका है, सही अवस्था क्या है? सही अवस्था है नन टू, ये है। और नन टू का मतलब क्या होता है? नॉट वेरी, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, नॉट वेरी। तो एरर कहाँ हो गया? डिसऑर्डर यहाँ पर ए में एरर हो गया जी, फर्स्ट में एरर है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, इन क्वेश्चन का लेवल है, और क्वेश्चन ऐसे ही आते पेपर में, जब लेवल होता है CDS का, बैंकिंग का, टीयर टू का जो है, SSC का, ये भी ध्यान रखिए। तो दिमाग में सेट कर लिए बच्चों इन बातों को, ठीक है जी। तो माइंड में सेटअप कर लिए, ये लेवल होता है पेपर क्वेश्चन का जो है।
और अगर आपको ये लेवल प्राप्त करना है तो थोड़ा आपको रेगुलरली पढ़ना, चीज़ों को एनालाइज करना है कि भाई क्या ऐसा नया पॉइंट है जो आज टीच किया गया मुझे नहीं आता था, उसको सीख लीजिए। 70 से 80% नॉलेज सभी टीचरों की एक जैसी होती है, लेकिन जो 20% अगली नॉलेज होती है टीचरों की वो थोड़ा अलग अलग होती है। वो 20% वाला पार्ट ये है, 20% वाला, ठीक है। एंड यू हैव टू एक्वायर दिस थिंग, इसी को आपने सीखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज नन टू, तो क्या बना, इट वॉज नॉट, ठीक है, इट वॉज नॉट वेरी प्रेजुडिस स्टेटमेंट गिवन बाई द कोच, ऐसा बनेगा आंसर, सिक्वेंस से बनेगी। ओके, 12वें पे आ जाइए, 12वां नंबर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विल चेंज इट्स मेन स्ट्रीम। किसी परिस्थिति में जो भारत की राजनीति है वो अपनी मेन स्ट्रीम को चेंज नहीं करेगी, परिवर्तित नहीं करेगी, ये पॉइंट है। देख लीजिए, एरर बता दीजिए, एरर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़े गहरे हैं, डेप्थ में है, और उनको वही बच्चा कर पाएगा जिसने या तो कोचिंग पूरा 4-5 महीने 6 महीने जब तक चलता लिया हो, या पूरा डेप्थ में पढ़ाई की हो। ये क्वेश्चन आप अंदाजे से कोई नहीं कर पाएगा इनको, अंदाजा आप कितना भी लगा लिया दिमाग के इसके अंदर बनेगा ही नहीं, ठीक है जी। ये अंदाजे से नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस है ये। मैं क्यों रुका हूं, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। पिंकी वो क्लासेज जो है, पिंकी थोड़ा बीच में बीमार हो गई थी, पूछ रही है क्लास के लिए, हालांकि पहले भी आपने पूछा था, वो बैच फुल हो गया है, अब उसमें सीट नहीं है, ठीक है ना। 40 बच्चे लेने थे और कल उसमें रात को 11 बजते 40 बच्चे हो गए हैं, ठीक है जी। क्योंकि मेरा जो वो ना सेटअप अभी 40 बच्चों का ही है जो मैं ले सकता हूँ अभी ऑनलाइन में। अभी कुछ टेक्निकलिटीज़ को इम्प्रूव करवाना है, तो कोई नई डिवाइस लेनी है, डिवाइस लेकर फिर हम कितने बच्चे ले सकते हैं, तो अभी लिमिटेड 40 स्टूडेंट मैक्सिमम, वरना उसके बाद मेरी वॉइस नहीं जाएगी बच्चों तक। तो वो बैच फुल हो चुका है पूरी तरीके से, अब मैं नया बैच लॉन्च करूँगा तब बता दूँगा आप बच्चों को, ठीक है। तो पिंकी आप नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लेना। अब सुन लो इसका भाई, इसका लॉजिक क्या है, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब क्लॉज से होती है, अब ये अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ये एडवर्ब क्लॉज है, यहां से यहां तक इट इज सेड टू बी एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब क्लॉज से होती है तो उसमें अप्लाई करेंगे पार्शियल इन्वर्जन। क्या अप्लाई करोगे, पार्शियल इन्वर्जन। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, ठीक है, इन नो वे और नो अकाउंट, ये नो से बनने वाली क्लॉज भी कह सकते हैं आप इसको, नो आया हुआ है तो इसमें इन्वर्जन क्या आएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है तो विल यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज विल द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया चेंज द इट्स मेन स्ट्रीम। बात समझ गए, तो बच्चों यहां पर जो है इस तरह बनेगा। हाँ पिंकी, मैंने कहा तो था आपको कि हो जाएगा उसमें, अब उसमें डूली बताना हुआ आपको, ठीक है जी, उसमें फुल हो चुका है, अब मैं ले नहीं सकता चाह कर भी उसमें 40 बच्चे, क्योंकि ठीक है ना, उसमें कुछ वो होता है, एक ऐप होता है उसमें लिमिटेड वो दे सकते हैं आप किसी को आईडी, उस आईडी का इशू था ना इसमें, इसलिए कोई बात नहीं, नए बैच बनाएंगे आपको फिर ले लेंगे। मैंने कहा था आप लोगों को 11 बजे संडे 11 बजे कहा था ना आप लोगों को, वो फिर ख़त्म हो गया फिर वो। चलिए कोई बात नहीं, नए बैच में ले लेंगे आपको। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो विल पहले आएगा, विल जब पहले आता है दैट इज सेड टू बी पार्शियल इन्वर्जन, तो पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं इसको। तो क्या बनेगा, विल द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर टाइप किए जा करके वहाँ टाइप कर दीजिए पार्शियल इन्वर्जन। तो पार्शियल इन्वर्जन का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि पार्शियल इन्वर्जन कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट में इसका रिलेवेंस है, और क्या क्या इसका जो है एक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, वो पूरा पढ़ लीजिए, फिर आपके डाउट खत्म पार्शियल इन्वर्जन के बारे में। ये भी मैंने उसमें समझाया हुआ पूरा,
ठीक है, कि एडवर्ब क्लॉज क्या होती हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन मेरे उसमें दी हुई हुई है। ओके, किसमें? अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने चैप्टर पूरा वीडियो बनाया हुआ है पार्शियल इन्वर्जन का, तो वहाँ पढ़ लेना उसको, फिर ये डाउट खत्म हो जाएगा आपको उसमें। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर देखिए। और क्या चाहिए आपको? प्रकृति की गोद में बैठे हैं, जिसके इस प्रकार देखिए कितना अच्छा वो है, स्लाइड हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, भाई कैमरे की बैटरी चली गई है, बैटरी चली गई कैमरे की। बच्चों ने बताई मुझे, यतीश ने बताई, अभी विकास ने बताई, विकास ने, यतीश दोनों बता रहे हैं बैटरी लो है। बच्चों जितना हो सकता है 5 मिनट और ले लेता हूँ, फिर मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और उसकी जो है बैटरी हम चार्ज नहीं कर पाए आज में। तो कोई बात नहीं, कल क्लास दे देंगे आपको, कुछ नई चीज़ और पढ़ा देंगे इसके साथ साथ, ठीक है। अब ये जो आवश्यकता है ना मेन, सारे एग्जाम वाले प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और थोड़ा सा नॉलेज को, टॉपिक्स को ब्रशअप करने की आवश्यकता है, ब्रशअप होता है रिवाइज, रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो अगर आप मुखर्जी नगर रहते हैं या आसपास रहते हैं, तो मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है 11 बजे से, कल नया बैच है ऑफलाइन, और मैं एक बैच में 10 से 12 बच्चे रखता हूँ, 13वां बच्चा नहीं होता है, ठीक है जी, ताकि मैं आपका नाम भी जान लूँ, आपको ध्यान से पढ़ा सकूँ। जहाँ 200 बच्चा है, 300 में आप पर ध्यान नहीं दे सकता, ना मैं आपका नाम जानता हूँ, जब नाम नहीं जानता तो मैं आप पर ध्यान क्या दूंगा, ठीक है। 10 से 12 बच्चे रखता हूँ यहाँ बैचों में, ठीक है, ताकि उन पर ध्यान दे सकूँ, उनकी कमजोरी को दूर कर सकूँ, और सिलेक्शन की पूरी श्योरिटी मेरी है। मैं ऐसे नहीं करूँ दावे के साथ, क्योंकि मैं जब 10 बच्चे लूँगा ना, तो मैं एक एक को पकड़ जो है ग्रिप कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ कमी है, क्या उसके अंदर लैकने से। तो प्रक्रिया मैंने स्टार्ट की है, और इस कोर्स की फीस नॉर्मली होती है, बहुत लंबा कोर्स होता है, 5,000 होती है पूरे कोर्स की फीस उसकी, जो ऑफलाइन क्लास लेता हूँ मैं यहाँ पर, उसमें बुक्स भी मैं देता हूँ, जो बुक्स मैंने लिखी वो भी देता हूँ बच्चों को। तो कोई आपका फ्रेंड करना चाहता है, आप करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं कल से, और कल का उसका टाइम है 11 बजे, व्हाट्सएप पर आप मुझे एड्रेस पूछ सकते हैं, ठीक है। चले इसमें आगे देख लीजिए, मिस्टर मेहता वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द कंपनी इन दिल्ली। मिस्टर मेहता को अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया एज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, ठीक है। अपॉइंट के साथ, अपॉइंट के साथ कभी भी वर्ब एडवांस लिया गया है ये, या एडवर्ब कह लीजिए, एज का प्रयोग नहीं होगा, बी में एरर हो गया जी यहां पर, बात समझ गए। अपॉइंट, कॉल, मेक, ठीक है, कंसीडर, राइट जी, इलेक्ट, इनके साथ एज का प्रयोग नहीं होता है, सो दैट विल मेन प्रोहिबिटेड, वो प्रोहिबिटेड रहता है, अप्लाई नहीं करेंगे आप उसको। जी विकास, मैं समझ सकता हूँ बच्चे, आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही बात है विकास जी, जी आई अंडरस्टैंड। तो अपॉइंट के साथ एज का प्रयोग ना करें, दैट विल मीन प्रोहिबिटेड। अब 14 पर आ जाइए, इंडिया इज रिगार्डेड ए कंपिटेंट एंड पोटेंट इकोनॉमी इन द टाइम टू कम। अब पोटेंट क्या होता है बच्चों? स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है, पोटेंट, स्ट्रांग। तो भारत को माना गया है एक कंपिटेंट, ठीक है, प्रतियोगी और मजबूत अर्थव्यवस्था जो है इन द टाइम टू कम, आने वाले समय के लिए, ये सेंटेंस। पिंकी जल्दी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बैच को, इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दे दी जाएगी, ठीक है, नोट कर लिया। रिगार्ड के साथ, जैसा कंसीडर के या अपॉइंट के साथ, कंसीडर के साथ, इलेक्ट के साथ एज नहीं आ सकता, लेकिन रिगार्ड जहां पे वर्ब के तौर पर प्रयोग होता है, इसके साथ एज जरूर आएगा। तो रिगार्डेड एज आएगा, इंडिया इज रिगार्डेड एज ए कंपिटेंट एंड इंपोर्टेंट इकोनॉमी इन द टाइम टू कम। तो बच्चों ए मैनर हो गया ए। तो रिगार्ड का प्रयोग जहां वर्ब के तौर पर करते हैं, क्रिया के तौर पर करते हैं, इसके साथ एज का प्रयोग करना इंपेरेटिव होता है, इनएविटेबल होता है, अनिवार्य होता है। इंडियन डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज, आवर कल्चर इज रिगार्डेड एज, एज का प्रयोग जरूर कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, 15। पंद्रह को बनाइए, कैसे बनाएंगे? द पीपल ऑफ कंट्री आर नोइंग द वेरेसिटी ऑफ फैक्ट इन दिस सोशल अफेयर। लोग जो है देश के वो जान रहे हैं, वेरेसिटी होती है सच्चाई, सत्यता ऑफ फैक्ट, तथ्य की, इन दिस सोशल अफेयर, इस सामाजिक विषय में। अफेयर होता है विषय, मैटर, और वेरेसिटी क्या होता है? ट्रूथ होता है, सच्चाई होती है, ट्रूथ, सच्चाई जो है। बात समझ गए? राजेश सिंह कुछ कह रहे हैं? राजेश बढ़ाएंगे बेटे, लेकिन अभी तो थोड़ा सा टाइम की समस्या है, तो 8:30 बजे ही रखना पड़ेगा अभी हमें, ठीक है ना? राइट, जल्दी कीजिए सवाल, जल्दी बताओ। ज्योति का, पिंकी का जवाब आ गया, यतीश का जवाब भी आ गया है जी। सब अच्छे अच्छे पढ़ने हैं, बहुत अच्छी बात है। द रियलिस्टिक आंसर ऑफ दिस वन इज नो, में आईएनजी नहीं आता, और ऐसी क्रियाएं जो आईएनजी नहीं लेती, ये आपको टीच की गई थी टाइम और टेंस में, टाइम एंड टेंस चैप्टर में, और ऐसी वर्ब को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं, राइट? स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब में हम क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम इसको किस में बना सकते हैं? या तो हम बनाएंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, या हम इसको बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, द पीपल ऑफ, ठीक है, कंट्री हैव नॉन, KNOWN, या हम इसको ऐसे बनाएंगे बच्चों। बात समझ गए? या तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, क्योंकि नो में आईएनजी का प्रयोग आमतौर पर नहीं होता है। बात समझ गए? जब तक इसका प्रयोग जीरंड के तौर पर ना हो, यह भी हमें ध्यान रखना है। कोई डाउट बताइए? तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कंपल्सन भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि हमारी बैटरी जो है इसकी जो है बहुत एक प्रकार से अलार्म दे चुकी है, और अचानक ये बंद हो सकता है, तो आज की क्लास में यहीं ऑफ करना चाहूँगा। कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे जुड़ूंगा, ठीक है? और प्लीज़ ध्यान रखिए, कोई आपका दोस्त पढ़ना चाहता है मुखर्जी नगर के अंदर इंग्लिश, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, मेरी अपनी पर्सनल क्लास है वहाँ पर। और हम ये प्लानिंग करके चलने की, 2020 आने वाला है, 8-10 दिन नए साल के रहेंगे, आपने कुछ ना कुछ तैयारी की होगी नए साल के लिए भी, मैंने खुद तैयारी की है, आप भी कुछ ना कुछ करने जा रहे होंगे, तो नया साल हमारे लिए एक सिलेक्शन लेकर आए, एक आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे ऑफिसर बने, ठीक है जी, ये हमारी कामना है। लेकिन ये तभी पूरी होगी जब आप जो है रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो 8:30 की क्लास है, तो जुड़ जाइए। कई बार अगर मैं 5-7 मिनट लेट जाऊँ तो वेट कर लीजिए, आप ऑफलाइन क्लास लेने जाते हैं, टीचर नहीं आता तो वेट तो करते हैं ना आप वहाँ पर, लेकिन मैं वेट कराता नहीं हूँ, लेकिन कभी इमरजेंसी हो जाती है इंसान को कभी कभी, जैसे आज हो गया था, तो मैं आज जो है आपसे विदा चाहूँगा, और कल मिलते हैं सेम टाइम 8:30, कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज भी मैं आपको थोड़ा लंबा पढ़ाता, लेकिन समस्या है थोड़ा सा, क्योंकि बैटरी इसकी बिल्कुल चली गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड नाउ इट्स टाइम टू ओवर द क्लास, ओके, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अफेक्शन, और ईश्वर करे आप सब बच्चों का सिलेक्शन हो। नमस्कार।